would add here for what the audience is going to be from mostly from the legal profession. So we have to keep it simplified. There's nothing complicated what I'm going to say, and we're trying basically to make sure कि आम आदमी को भी समझ आए कि ये असल problem क्या है, issue क्या है. So start में सबसे पहली बात कि इस presentation का मकसद क्या है, इसमें किन हवालात से हम इस पर बात करेंगे. So पहली slide अगर उधर से So the first few agendas is that what is air pollution, and isme hawai aloodgi sabko pata hai ki general understanding sabko hai, lekin is pe hum kis cheez pe baat karna cha rahe hain aur isme asal masla kya hai wo us pe aate hain ki what is particulate matter, PM 2.5 jisko hum kehte hain, ya isse PM 10 bhi iski ek exam hoti hai. उसके बाद स्मॉग क्या होता है, क्योंकि लाहौर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में जब हवाई आलूदगी इतनी बढ़ जाती है कि वो स्मॉग बन जाता है, तो हम सारे फिर उसे लाहौर स्मॉग कहने लग जाते हैं. उसके बाद के ये मसला इतने चंद सालों में इतना बढ़ क्यों गया है. सो पॉलिसी के क्या इश्यूज़ हैं, इसमें हम लोगों की क्या कोताही है, हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, या हमारी हुकूमत ने क्या ऐसा किया है जो हम यहाँ आज स्मॉग के दरमियान और एयर क्वालिटी का इशू बन गया. सो मूविंग ऑन, जो पहला जो हिस्सा है वो है कि हवाई आलूदगी में जो प्रोमिनेंट हिस्सा है उसका, जो इंसानों के लिए मुज़र सेहत है और जो हमारी हवा में मौजूद है, वो कौन कौन सी गैसेस हैं. सो ये हमारे स्कूलों में 8वीं जमात में सब बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि चंद गैसेस होती हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़र होती हैं. सो उसके अंदर आ जाती है सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि इंसान अगर इनहेल करे तो उनकी मेंटल डिवेलपमेंट तक इफ़ेक्ट हो जाती है. इसी तरह फिर आ जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन होता है जो कि गर्मियों के महीनों में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सबसे ख़तरनाक जो है वो है PM 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5. हम इसी पे आ जाएंगे कि ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता क्या है. सो अगली स्लाइड के ऊपर अब आ जाएं, ये थोड़ा सा इलैबोरेट किया है थ्रू अ स्मॉल डायग्राम कि कितना ये पेचीदा एक इशू है और हमारी नज़रों के सामने क्यों नहीं होता. तो सबसे बड़ी बात कि ये हवा का हिस्सा तो है, लेकिन हवा का ये ऐसा हिस्सा है कि इतना छोटा है आपकी नज़र आने में वो इंसान को नहीं नज़र आ सकता. अगर हम मिट्टी या मिट्टी के ज़रों की बात करें तो वो भी इससे कई गुना बड़े होती हैं, PM 10 या PM 10 से भी आगे होती हैं. इसी तरह अगली स्लाइड पर हम थोड़ा सा कंपेरिज़न देखते हैं कि इंसानी बाल जो होते हैं, आपकी नेज़ल कैविटी के बाल हों, आपकी सांस की नाली में जो रोकते हैं घटे को मिट्टी को, उसका साइज़ क्या है, और वो जो छोटा सा कतरा वो नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ PM 2.5. सो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्यों इंसानी जिस्म या इंसान का अपना जो कुदरती निज़ाम है वो इसके साथ क्यों नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो ज़रा इतना छोटा है कि वो जितनी भी हमारी कुदरती दिफाई कुवत थी उसको वो ब्रेक करके वो निकल जाता है और जिस्म के खून के अंदर चला जाता है. और खून में जाने के बाद जैसे जहाँ जहाँ उसे दिल से वो जहाँ जहाँ जाता है, जिस आपके ऑर्गन में जाता है, आपका दिमाग हो सकता है, सबसे पहले तो सांस की नाली और आपके फेफड़े आते हैं, लंग्स, और सबसे पहले ये डैमेज होता है. उसके बाद फिर आपका खून जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ उसकी रवानी चलती जाती है, वहाँ जाके उसे डैमेज बॉडी को करता जाता है. और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि हम सारे अगर बात करें कि बच्चों, बड़ों या ख़वातीन, सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हुई होती और बॉडी की पूरी, ना उनकी मस्कुलर डेवलपमेंट हुई होती है, ना उनकी जहनी डेवलपमेंट हुई होती है. सो वो जाके इवेंचुअली डैमेज होने लग जाती है और हो सकता है कि वो रुक भी जाए. सो अगली हम स्लाइड पे आप आते हैं. सो ये बेसिकली शो करता है कि साउथ एशिया में काफ़ी बड़ा मसला है ये.
पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन पूरा साल जो हेल्दी लिमिट है उससे बढ़ के हमारी हवाई आलूदगी के अंदर PM2.5 मौजूद है. सो जो आप नीचे बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं 5-6 ममालिक और यूरोप, US, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये सारे मुल्क वो हैं जो कि WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक तकरीबन लीगल लिमिट के अंदर आते हैं. पाकिस्तान, इंडिया उससे 3 गुना ज़्यादा है और उससे भी कई ज़्यादा इफेक्टेड मुल्क हैं. सो अगली स्लाइड पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हम इसे टॉक्सिक क्यों कह रहे हैं, इसे हम हैज़र्डस या टॉक्सिक क्यों कह रहे हैं, बार बार बोलते हैं. सो उसका मकसद यह है कि आपको बताया जाए कि इससे इंसानी जान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है. पाकिस्तान में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट जो कि पिछला पेज पर आपको दिखाया, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, हर 1 लाख अमवात में से 205 अमवात जो हैं वो सांस के और एयर पोल्यूशन के मुख्तलिफ जो आगे जाके बीमारियाँ फैलती हैं और आपका जो डैमेज होता है उससे फैल रही है. सो अभी इस पर और भी हमारे पास डॉक्टर साहब वो बात करेंगे, बट बेसिकली इसका जितनी भी आपकी इंसानी आम बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, सांस, कैंसर, ये सब उसको और एक्सट्रीम पे ले जाती है. सो इसी तरह जो एस्टिमेट करते हैं इसके मुताबिक कि 1,35,000 पाकिस्तानी, और ये वैसे ही हम अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन दिस अप्रॉक्सीमेशन इज़ मोर देन द नंबर वी हैव लॉस्ट इन द वॉर ऑन टेरर इन द एंटायर 18 ईयर्स. सो 1 ईयर एंड 18 ईयर्स, सो एट द एंड वी एक्सपेक्ट दैट जितना बड़ा मसला होता है उसे उतनी सीरियसली डील किया जाए, लेकिन ये नंबर जस्ट शो करता है कि हमारा पॉलिसी कितनी पीछे है एक्चुअली जहाँ पे होनी चाहिए. उसके आगे के अगेन कौन कौन से रीजन ज़्यादा अफेक्टेड है, सो ऑब्वियसली वी हैव ऑल एक्सपेक्टेड लाहौर डिवीजन जो है इट्स द वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम एयर क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी, एंड ऑब्वियसली वो पुअर एयर क्वालिटी भी हमें स्मॉग में नज़र भी आती है. लेकिन इसके साथ साथ और डिविजन्स जो लाहौर के आसपास हैं, ऑल द वे अप टिल सवाबी, ये सब डिविजन्स अफेक्टेड. सो सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये सारे हमारी डिवीज़न के अलावा, लाहौर के अलावा, एक्सट्रीमली ड्रास्टिकली इफेक्टेड है. और इसकी अगली स्लाइड पे अगर हम चलें तो आपको ये मैप जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, ये शो करता है कि कौन सी डिवीज़न्स कितना डेंसली इफेक्टेड है. सो अगेन पंजाब इज़ द मोस्ट अफेक्टेड. अलॉट ऑफ अस हम ये भी कह देते हैं कि पंजाब का मोस्ट अफेक्टेड होने की वजह भी ये है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री डिवेलपमेंट, ट्रैफिक, ऑल ऑफ दिस इज़ कॉन्सेंट्रेटेड. दिस इज़ अ रीजन जहाँ हमारे पास 10 करोड़ इंसान रहते हैं. सो 10 करोड़ इंसानों की आबादी की वजह से ये भी एक चीज़ है जो इग्नोर की गई है पिछले 20-30 साल में. सो अगली स्लाइड पर जब हम आते हैं कि लाहौर स्मॉग, तो हम अब एक किस्म का हैशटैग लाहौर स्मॉग इतना पॉपुलर, इतनी टर्म हो गई है, सिमिलर टू दिल्ली स्मॉग के इंडिया में जो होती है उसे दिल्ली स्मॉग कहते हैं वो. सो क्या वजह है कि ये इतनी ज़्यादा एकदम से हमारे 3-4 साल में फैल गई है कि हम सारे अब इस पर बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो पहली बात कि लाहौर में पिछले 20 साल में एयर क्वालिटी ख़राब रही है लीगल लिमिट से और ख़राब होती चलती गई है. सो ये नहीं कि पिछले 2-3 साल में एकदम बढ़ गई, जो हुआ है वो बेसिकली आपको पिछले 4 सालों में वो जो कुदरती निज़ाम जो हैंडल कर रहा था वो बेसिकली उसे हैंडल करना बंद कर गया क्योंकि उसकी कुव्वत से बढ़ गई है एयर क्वालिटी का पूरे एयर क्वालिटी. सो सबसे पहले आ जाते हैं कि आपको नज़र आएगा कि एयर क्वालिटी, एंड ये डेटा सारा पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव से लिया गया, इनका हर मंथ की एवरेज एयर क्वालिटी ली गई है. सो हमारे यहाँ जो USAQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके मुताबिक जो हेल्दी एयर होती है वो बिलो 50 पे होती है. सो वो भी साथ मार्क कर दिया गया कि आपको नज़र आता है कि पूरे साल में हमारी एयर क्वालिटी जो अनहेल्दी है लाहौर की. सो ये सर्दियों का मसला नहीं है, ये जो 2 महीने हैं दिसंबर जनवरी उनका मसला नहीं है, पूरे साल ही हम आलूदगी से भरी हवा इनहेल करते हैं और वो फिर डिफरेंट किस्म की बीमारियों का रूप ले आती है. इससे अगली स्लाइड पे जो पंजाब गवर्नमेंट की जो लीगल लिमिट्स हैं, एनुअल लीगल लिमिट्स, वो जो नीचे ब्लू लाइन नज़र आ रही है दैट इज़ द एनुअल लीगल लिमिट. सो PM 2.5 की एनुअल लीगल लिमिट, दैट ब्लू लाइन,
usse 10 guna zyada is the red line and 20 times more is the dark red line. So December mein, this past December, our air quality was 20 times worse than what the legal limit sets. Is data pe thoda sa dispute hai, lekin hum aage ja ke us pe bhi baat karte hain. So aage aa jate hain. This is the Punjab environment quality standards for ambient air. Isme jo last aapko nazar aa raha hai, respirable particulate matter 2.5, wo legal limit set karta hai, sath annual average jo aapko di gayi hai, that is 15 microgram for every cubic meter. So wo aapko pichle slide pe dikhaya ke this is the legal limit aur hum abhi kahan pe khade hain. So aage aa jate hain ke sardiyon ka jo hum notice kar rahe hain, ab jaise jaise aap dekhte hain ke the smaller green line is the average monthly temperature. So jaise ise dekhte hain ki garmi aati hai, hawa phir behtar ho jati hai. So hawai quality jo hai, air quality, uska ek complex relationship hai with temperature, humidity and wind. So average out karke aapko nazar aata hai ki monsoon season mein jab rainfall zyada hoti hai, that is the best air quality we have around the year. So लाहौर में सबसे साफ हवा मानसून के दौरान होती है, क्योंकि बारिश उसे क्लियर कर देती है. ये नहीं होता कि इंसान कुछ ज़्यादा उस वक्त ख्याल रख रहे हैं एयर पोल्यूशन का, बारिश क्लियर कर देती है. तो इसी तरह जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने आते हैं, तो उस वक्त वो एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, वही जो हमारा क्लाइमेट है उसके रिएक्शन के अंदर. सो आगे आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें जो थोड़ा बहुत हमारे पास अभी रिसर्च हुई है, जिसको हम कभी कभार सोर्स अपोर्शनमेंट भी कह देते हैं, कि ये सब कुछ आ कहाँ से रहा है. सो इसके अंदर हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये बनी है कि मल्टीपल सेक्टर्स से आता है. आप कोई भी काम कर रहे हो दिन के अंदर, पावर प्रोडक्शन हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका. सो दीज आर द सेक्टोरल डिविजन्स जो जहाँ से ये पोल्यूशन आ रही है. सो सबसे मेजर जो है इसमें टाइम एंड अगेन पॉइंट आउट किया गया इज़ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर. Transport both in Punjab, and the Punjab study is recently joint collaboration between the FAO and the Agriculture Department. Aur dusri jo hai, that was a collaboration between the World Bank and a former director of the Pakistan EPA. So both these studies confirm that transport responsible hai. The major component, ye nahi ki aur sectors nahi hai, lekin the major component hai, that is transport. गाड़ियाँ, ट्रक, डिफरेंट किस्म की आपकी लॉरीज जो होती हैं. सो ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेशन हैज़ अ रिलेशनशिप विद द ग्रोइंग एयर क्वालिटी इशू वी हैव. सो उससे आगे आ जाते हैं कि हमने ये भी कई बार पॉइंट आउट किया गया है कि क्रॉप बर्निंग जो है पंजाब के अंदर, वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है इसे. सो पंजाब का मतलब है वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान, ईस्ट पंजाब इन इंडिया. सो these two regions are also the agricultural powerhouses of both these countries. Yahan pe concentrated agriculture hota hai. So every agricultural cycle, kharif crop, rabi crop, dono jab khatam hote hain to iske baad kheton ko khali karne ke liye jala diya jata hai jo waste bachta hai, agriculture waste. So through some what easily available technology, ye NASA ka this is open access, so ye hame mil jata hai bade aaram se. So ye हीट सिग्नेचर डिटेक्ट कर लेता है ऑफ वेस्ट बर्निंग, एग्रीकल्चरल बर्निंग एंड जनरल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही होती है. इन द मंथ ऑफ नवंबर, और ये द पास्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर एंड द करंट एनवायरनमेंट मिनिस्टर, बोथ ऑफ देम हैव पब्लिकली कम ऑन टीवी एंड सेड दैट दिस इज रिस्पॉन्सिबल. और दिस इज द फोटो दे शो अस कि नवंबर में ईस्ट पंजाब में बहुत ज़्यादा फसल की जलाई गई है, तो उसके बाद एयर पोल्यूशन दिसंबर में लाहौर आ गई है. सो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट मे करते हैं. बट अगली स्लाइड पे आप देखें तो मई में, जो मई का महीना है, तब भी ये सब कुछ होता है. तब भी दोबारा कटाई के बाद जो वेस्ट पहुँचता है उसको जला दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो उस तरह पोल्यूशन नहीं आती. सो जो रिलेशनशिप बिल्ड की गई है क्रॉप बर्निंग एज द इमीडिएट कॉज ऑफ स्मॉग, वो रिलेशनशिप यह स्टैंड नहीं करती, क्योंकि मई में वेस्ट पंजाब वाली साइड पर आप उतनी ही नज़र आ रही है जितना, और उस लिहाज से जो ऐश या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आनी चाहिए हवा में, वो नहीं आती. इस वजह से वहाँ इसलिए डिफरेंस है विंटर में, अगेन क्योंकि टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेट होने लग जाते हैं पोल्यूटेंट्स. सो इसी को हम अगली स्लाइड पे चलते हैं. दिस अगेन शोज़ यू द क्रॉप बर्निंग कॉन्सेंट्रेशंस.
Himachal Pradesh, Haryana, East Punjab, these are the regions which burn their crops in winter and summer. Hamari side pe West Punjab, only one region. So concentrated, you know that ke concentration sabse zyada aa rahi hai East Punjab se. But when we go ahead, the pattern establishes, agli slide please. The pattern we see is again May, November. So this is 3 years, past 3 years. So nazar aata hai ki ek constant ek cycle hai, lekin air pollution kharab hoti hai sirf winter mein, jo ke agli aapko slide pe nazar aayega ki jo correlation hai wo stand nahi karta. Crop burning kar rahi hai ye. So crop burning is scapegoated in a sense, jo bahut bada issue, baaki issues hain unko thoda ignore kiya ja raha hai. So aage hum chalte hain. This is again a correlation plot for that. थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये इस्टेब्लिश करता है कि रिलेशनशिप क्या होती है. इफ़ दिस वॉज मोर टिल्टेड और तो उसका मतलब होता कि देर इज़ अ रिलेशनशिप, बट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे इसकी. अगली स्लाइड. सो एज अ सेट पहले कि एयर क्वालिटी का फ्यूल क्वालिटी जो है दैट अपीयर्स टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज. इसको हम आते हैं कि ये क्यों है. अगली स्लाइड. सो पाकिस्तान में जो डीजल आता है इट्स यूरो 2 स्टैंडर्ड्स, जिसे पाक 2 भी कहते हैं. एंड द स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के आते कि वैल्यूएशन नहीं की गई. स्टैंडर्ड सेट किया था 1996 में और यूरो 1 जो स्टैंडर्ड है वो प्री वर्ल्ड वॉर होता था. सो अभी भी कई जगह जहाँ स्मगल्ड फ्यूल यूज़ होता है पाकिस्तान में या जहाँ चेक नहीं है वहाँ देर आर चांसेस कि यूरो 1 यूज़ हो रहा हो. यूरो 1 इज स्टैंडर्ड जो प्री वर्ल्ड वॉर 2 लगाया गया था. सो इंडिया में यूज़ होता है यूरो 4 एंड इंडिया इज़ मूविंग ऑन टू यूरो 5 इन द कमिंग फ्यू ईयर्स. एंड ग्लोबली यूरो 5 स्टैंडर्ड अब इज़ वन ऑफ द मेन इन यूरोप, ईस्ट एशिया वो यूज़ होता है. हमारे यहाँ यूरो 2 यूज़ हो रहा है. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि यूरो 2 के अंदर 500 पार्ट्स पर मिलियन होता है सल्फर, यूरो 5 के अंदर 10 पार्ट्स पर मिलियन होता है. कई पावर प्लांट्स हैं जहाँ नेचुरल गैस और फर्नेस ऑयल दोनों यूज़ हो सकते हैं, बट 8 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ फर्नेस ऑयल की एबिलिटी, और फर्नेस ऑयल सिमिलरली डीजल की तरह बहुत पोल्यूटिंग होता है. सो ये एक और वजह है जो ऐड कर रही है इसके अंदर. इसके हम आगे आ जाते हैं कि पॉलिसी गैप्स क्या हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो दिस इज व्हाट वी रिसीव फ्रॉम द ईपीडी इन एवरी फ्यू डेज. सो आज इज फरवरी 6th, बट जब मैंने आज जो सुबह इसमें डाल रहा था तो तब तक सिर्फ फरवरी 4th की आई हुई थी. सो वी नो कि रियल टाइम डेटा अवेलेबल नहीं है ईपीडी के पास, अवेलेबल है भी तो वो इट इज़ इन मेड पब्लिक. उसके साथ साथ जो आपको नज़र आ रहे हैं मुल्तान के और साथ साथ गुजरांवाला एंड डेंटल कॉलेज जो सबसे पहला वाला है, उसमें सेंसर नॉट अवेलेबल, नॉट ऑपरेशनल, SNO लिखा हुआ. सो जो हमारे पास मीटर्स हैं भी उसके अंदर भी दे आर नॉट फुली ऑपरेशनल. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि हम वाई वी आर यूजिंग पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव का डाटा, बिकॉज इट इज़ रियल टाइम एंड वो हमें कंटिन्यूसली अपडेट उससे रह सकते हैं. इन दिस डेटा वी रिसीव PDF फॉर्मैट्स फाइल्स जो कि एक्सेसिबल, यू कैन नॉट एनालाइज देम एज ईजीली. सो एक तो अवेलेबल भी नहीं है, एनालिसिस भी मुश्किल है. इसके अंदर भी अगर इफ़ यू सी NO एंड NO2 के कॉलम्स, देर अबव लीगल लिमिट्स. सो इवन द गवर्नमेंट्स ओन डेटा सेज दैट एयर क्वालिटी लिमिट्स से देर मच अबव वेयर इट शुड बी. अगला स्लाइड. These are the monitors that we use to for analysis. NOM monitors. One of them is not in the picture. वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, so it was out of the map. बाकी these 8 monitors are constantly updating citizens. So this is why we are using privately gathered data instead of government data. अगला slide please. This is what we say के real time data. Why is it important? रियल टाइम डेटा हेल्प्स अस एनालाइज के सिटी वाइड चेंजेस के. और दिस इज़ अ सिंपल एनालिसिस. आई यूज 50 सैम्पल्स ऑफ एयर क्वालिटी एंड देन एवरेज ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आप गूगल मैप से खोलते हैं तो वो रेड लाइन आ देता है ताकि यहाँ ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं है. सो यू कैन डाउनलोड दैट डेटा. आई सिंपली यूज़ दैट डेटा और वो कोरिलेशन क्लियरली बिल्ड होता है कि ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेशन जब कम होने लगती है, दिस इज माल रोड, ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेशन जो कम होने लगती है, एयर क्वालिटी का जो चेंजेस हैं वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, कई बार रिवर्स भी हो जाते हैं. इन समर टाइम जब कॉन्सेंट्रेशन ईजी हो, एयर क्वालिटी सिंपल होती है मेयर करना, ईजी हो जाता है. इस अगली स्लाइड पे हम मेयर की है फिरोजपुर रोड का. सो सिमिलरली फिरोजपुर रोड के पास भी देर इज़ अ मॉनिटर इन अबू बकर ब्लॉक गार्डन टाउन. सो वहाँ से जो डेटा हमें मिला है उसके मुताबिक एयर क्वालिटी हैज़ ऑल्सो अ डायरेक्ट रिलेशनशिप द ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑन फिरोजपुर रोड. जैसे ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है,
ایئر کوالٹی میں ڈپ کرنے لگ جاتی ہے, ایئر کوالٹی ایز ان بہتر ہونے لگ جاتی ہے. سو ایٹ دا اینڈ اے فیو پوائنٹس ٹو ایمفسائز کہ امپلیمنٹیشن کی ہے, وی آلریڈی ہیو دا پالیسیز, وی ہیڈ دا پاکستان کلیئر ایئر پروگرام ان 2005 جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, اس کے لانگ ٹرم جتنے بھی گولس تھے وہ آج تک اچیو نہیں ہو سکے. اس کے بعد یہ اسموگ کمیشن رپورٹ ریکمنڈیشنز, اس کے بعد بات ہوگی تھوڑی دیر تک, تو اس کی بھی جو اس میں تین چار ریکمنڈیشنز ہیں, تین چار سے زیادہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی اور تین چار بھی فلی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اینڈ اگین ریئل ٹائم ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ, کسی نے انالائز کرنا ہے, انوائرمنٹلسٹ نے کرنا ہے, پبلک پالیسی کی ڈیسیجن میکرز نے کرنا ہے, آپ کے ریسرچرز نے کرنا ہے, یونیورسٹیز نے کرنا ہے, آل آف دوز ول نیڈ ریئل ٹائم ڈیٹا ٹو گیدر انف انفارمیشن ٹو سجیسٹ پالیسیز کہ کس ایریا میں یہ ہو سکتا ہے, کس ایریا میں کرنا چاہیے. اینڈ لاسٹلی جو ڈبیٹ کا ابھی تک حصہ نہیں ہے, دیٹ از فیول اسٹینڈرڈس. فیول اسٹینڈرڈز از ناٹ دا ڈومین آف ای بی ڈی, وہ از سم تھنگ جو کہ پیٹرولیم ڈویژن کے پاس لے کے جانا پڑے گا. سو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ون آف دا میجر کی ایشوز اوور ہیئر کہ فیول اسٹینڈرڈ اپ گریڈ کرنے سے ڈراسٹیکلی ایئر کوالٹی میں امپروومنٹ آ سکتی ہے, نہ صرف اپ گریڈ کرنے سے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. دس پریزنٹیشن مینٹ کہ آپ کو تھوڑا سا بیسک بیک گراؤنڈ نالج دے دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینالائز ابھی تک کیا گیا ہے اس کے مطابق واٹ وی نو. اینڈ آبویسلی دس فردر ڈسکشن ول آلویز ہیلپ اس انفارم اس بیٹر. تھینک یو. اینڈ آئی تھنک ندا. Thank you very much, Dawar Bhatt Saab. Please have your seat.